छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाले। टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने हालांकि आगामी आम चुनाव में प्रदेश की आधी सीटें जीतने की संभावना जताई है। सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 से 6 सीटें जीत सकती है। मैं नहीं लड़ूंगा, अभी मीटिंग भी हुई थी, वहाँ बात भी आई थी। मैंने कहा व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक कारण है, स्वास्थ्यगत कारण है परिवार के, उन परिस्थितियों में मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और कई लोग कहते हैं सरगुजा से आप लड़ेंगे क्या, तो वो तो आरक्षित सीट है। कि अन्य जगह से भी बात आई थी, कोरबा से भी बात आई थी, बिलासपुर से भी बात आई थी, तो मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ। लेकिन आधी से ज़्यादा सीटों में कांग्रेस की अच्छी संभावना है और हम लोग चाहेंगे कि आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीते, प्रयास रहेगा सभी जीतने का। रायपुर में बदमाशों का जुलूस निकाला गया, पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है रायपुर के हाइपर क्लब में। दरअसल इन्होंने गोली चलाई थी और शहर में 4 आरोपियों का जुलूस निकाला गया। इसमें रोहित तोमर, विकास अग्रवाल का जुलूस निकाला गया, साथ में सारंग मंधान और अमित तनेजा का भी जुलूस निकाला गया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जुलूस निकाला गया है और उन्हें अब जेल ले जाया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि इस तरह से आतंक मचाने का जो तरीका था उससे ये साफ जाहिर है कि पुलिस कठोर नहीं है और यहाँ पर फिलहाल उनका जुलूस निकाला गया है और उन्हें जेल के लिए भेजा गया है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।